घर की पार्टियों की शान ये जो रेसिपी आज हम तैयार कर रहे हैं, इस रेसिपी को जो हम घर के एक पाव भाजी कूटने वाले बर्तन के इस्तेमाल से इसे तैयार कर रहे हैं, इसे बनाना एकदम आसान होगा और ये रेसिपी बच्चे से लेके बड़े तक सभी को अच्छी लगने वाली है। इस नई तरीके की रेसिपी को कैसे तैयार किया जाएगा तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को तैयार करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी डाल लीजिए, लगभग आधे कप के आसपास। उसमें डाल दीजिए लगभग 2 चम्मच के आसपास तेल या फिर कुकिंग ऑयल, साथ ही में डाल दीजिए थोड़ी सी ईस्ट, और ईस्ट ना हो तो बेकिंग पाउडर। फटाफट से डाल के इसको अच्छे से घोल लीजिए, घुमा लीजिए। साथ ही में लगभग आपको 3 चम्मच चीनी और डालनी होगी। तो चलिए 3 चम्मच चीनी डालने के बाद इसको घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद हमें एक गाढ़ा पेस्ट मिल जाएगा। गाढ़ा पेस्ट को और गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें लगभग 1 कप मैदे का डाल लेना है। तो चलिए आइए मैदा डाल लेते हैं। ये पेस्ट अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैदा डालते ही ये पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए गाढ़ा पेस्ट तैयार करने के लिए हमने सारा का सारा 1 कप मैदा डाल लिया है। अब फटाफट से इस मैदे को मिक्स करके एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं। ये मिश्रण दोस्तों लगभग तैयार हो चुका है, बस इसको अच्छे से और घुमा लीजिए ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, थोड़े भी लम्स ना रह जाए, और ये अच्छे से गाढ़ा ऐसा पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये गाढ़ा पेस्ट तैयार है तो फटाफट से कढ़ाई की ओर चलते हैं। नीचे से जो भी कढ़ाई सीधी हो घर में, या कोई बर्तन या पैन हो, उसको ले लीजिए और उसमें डाल लीजिए कुकिंग ऑयल, और साथ ही में ये पाव भाजी जो हम कूटते हैं वो बर्तन ले लीजिए एकदम साफ सुथरा, और उस बर्तन को इस कढ़ाई में छोड़ दीजिए थोड़ा गर्म होने के लिए। तो एक बर्तन गर्म हो लेगा। तो चलिए हमारा तेल और बर्तन दोनों गर्म हो चुके हैं, तो अब ये मिश्रण तैयार है। फटाफट से इसको इसके अंदर डुबोते हैं। डुबोना आपको ऐसे है कि ये जो मिश्रण है वो ऊपर ना आए, नीचे की परत पे ही अच्छे से चिपके, बस अच्छे से गर्म होता है तो अच्छे से चिपक जाता है। तो ये देखिए हमने डाला और ये अब अच्छे से छोड़ देगा, इसे और एक ये वेफल की तरह निकल आएगा। इसे अच्छे से पकने दीजिए और ये जैसे ही पकेगा अपने आप छोड़ देगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये बर्तन है जिसका आप इस्तेमाल करने हैं पाव भाजी कूटने वाला, इसकी शेप में खुले खुले छेद हों, ये थोड़ा गर्म हो ताकि आसानी से छोड़ सके, और नीचे की जो परत है वो अच्छी खासी मोटी लगी हो, एकदम पतली ना हो, नहीं तो ज़्यादा कड़क हो जाएगा। तो ये देख ले सकते हैं दोस्तों आपने कितना अच्छे से ये पक रहा है। तो चलिए देखते हैं कितनी देर लगेगी और अब ये लगभग छूटने वाला होगा। ये देखिए ये परत अच्छी खासी मोटी थी और ये अब हमारा फटाफट से इसको छोड़ने वाला है, और ये इसको दोस्तों अब मुझे लगता है छोड़ देगा, और उसके बाद दोस्तों हमें इसको बाहर निकाल लेना है। और अगर पका ना हो तो थोड़ा सा और भी पका सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ऊपरी वाली साइड से भी थोड़ा सा कच्चा है तो पक जाएगा, इतने हम दूसरा डिप कर लेते हैं, दूसरा भी तैयार हो जाएगा। कभी कभी आपका टूटा हुआ आधा भी बन सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आने वाला है। लेकिन हाँ, पूरा बन जाता है तो इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, देखने में सुंदर हो जाता है। तो देख लीजिए हमारा ये वाला हल्का सा हमने थोड़ा छोटा करके बनाया है, हल्का सा कोने टूटे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप जैसा भी आपका बने इजीली बन के आपको मज़ा आ जाए। तो इसको बाहर निकाल लीजिए फटाफट तेल निकालने के बाद, और वहीं अब उस दूसरे टुकड़े को भी बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा वेफर बनके बढ़िया तैयार हो चुका है। अब इस वेफर के ऊपर हम रखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा ब्राउनी का टुकड़ा। तो सबसे पहले वेफर रख लेते हैं, यहाँ ये आधा टूटा हुआ बना है हमारा और एक पूरा साबुत बन गया है। इस वेफर के ऊपर हमने रखी थोड़ी सी ब्राउनी, ब्राउनी के साथ साथ रख लेते हैं दोस्तों हम थोड़ी सी क्रीम या फिर आइसक्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो, साथ ही में थोड़ा सा डालेंगे चॉकलेट सिरप, और ये बहुत ही बढ़िया वेफर चॉकलेट ब्राउनी चोको फज तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, एकदम नए तरीके से बना के तैयार करिए। और अभी हम इस पर थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रे करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, या फिर हम ऐसे इसके ऊपर से निकाल लेंगे। भाई वाह, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बेहद ही आसान है बनाना और ख़ास करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस में पसंद है, बर्थडे पार्टीज़ में पसंद है। आप भी ट्राई कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।